ये है आज के हमारे डिजाइन का प्लान, ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। और इसके बाद मैं आपको जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहेगा ये देख सकते हैं आप। और आइए अब आपको सीधा मैं आपको 3D बाथरूम पे ले चलता हूँ, जहाँ से आपको डिजाइन दिखाने वाला हूँ, जो पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D के अंदर बना हुआ डिजाइन है हमारा। पहले इसका जो आउटर पोर्शन है आपको मैं दिखा देता हूँ, चारों तरफ से ओपन डिजाइन है। देखिए दोनों आपको मैं तीन साइड से दिखा चुका हूँ, पीछे भी जब हम अंदर चलेंगे घर के तब आपको दिखाऊंगा पीछे का व्यू भी। तो चलिए पहले यहाँ से एंट्री करते घर के अंदर। फ्रंट में अगर आप बड़ा गेट देखेंगे तो ये मेन एंट्री डोर रहेगा हमारा। और साइड में अगर आप राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो गेस्ट रूम होगा ये देख सकते हैं। इसका जो स्पेस की अगर बात करें तो वो पूरा का पूरा जो स्पेस का जो डिटेल है स्पेस की लंबाई चौड़ाई कितनी है वो हमने वीडियो के शुरुआत में प्लान के अंदर दे दी। तो यहाँ से दूसरा दरवाजा होगा जो कि घर के अंदर से आप अंदर बाहर आ जा सकते हैं, जो हमारा गेस्ट रूम होगा इसके अंदर। और यहाँ से वापस बाहर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम मैं आपको दिखाऊंगा जो अंदर दरवाजा है हमारा मेन मुख्य दरवाजा, वहां से अंदर जाएंगे। यहाँ से एंट्री करते ही यहाँ पे देखिए राइट की तरफ आपको दो दरवाजे देंगे दिखेंगे। एक दरवाजा जो हम अंदर जा चुके हैं यहाँ से गेस्ट रूम का था, और ये जो दरवाजा है ये हमारे बेडरूम का दरवाजा रहेगा। 12x14 फीट का साइज रहेगा इसका जो बेडरूम है हमारा। तो बाकी डिटेल आप प्लान से ले सकते हैं, वीडियो को आप देखें शुरुआत में अगर। तो ये बेडरूम रहेगा। उसके बाद अगर बात हम करें तो बेडरूम के सामने एक किचन रहेगी हमारी, यहाँ पे एक पैसेज भी है बीच में। उसके बाद जो किचन है हमारे 10x12 फीट साइज का है, ये देख सकते हैं किचन है हमारी। किचन के जस्ट सामने ये हमारा डाइनिंग एरिया रहेगा, डाइनिंग स्पेस है ये देखिए। और जो मैं आपको बता चुका हूँ जो पूरा घर चारों तरफ से खाली है, खुला है, तो चारों तरफ आप खिड़कियां लगा सकते हैं। उसके बाद ये बेडरूम है हमारा बैक साइड का, देख लीजिए बेडरूम को यहाँ पे। यहाँ से वापिस चलते हैं बेडरूम के अंदर से बाहर। और इसके साइड में बात करें तो यहाँ से सीढ़ियाँ रहेंगी हमारी ऊपर जाने के लिए, और सीढ़ियों के साथ में नीचे की तरफ पीछे जाने का रास्ता है। और दो जो छोटे दरवाजे देख रहे हैं टॉयलेट बाथरूम के, ये बाथरूम रहेगा हमारा, सेपरेटली डिजाइन किया गया है दोनों को। उसके बाद में ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं ये टॉयलेट का होगा, वेस्टर्न कबर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर एक वॉश बेसिन भी आपको मिल जाएगा। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं ये पीछे जाने के लिए है। पीछे का व्यू थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ रोटेट करके, यहाँ से देखिए ये पीछे का व्यू रहेगा इनका। पीछे वेंटिलेशन के लिए दो छोटे रोशनदान दे दिए गए हैं, जो सीढ़ियों के ऊपर से भी आपको दिखाऊंगा। तो ऊपर का जो पोर्शन है वहां चलते हैं पहले। ये हमारी फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां रहेंगी। वेंटिलेशन के लिए साफ दे दिया गया छोटा सा एक पीछे की तरफ एक रोशनदान बोल सकते हैं इसको। और ऊपर ये हमारा देखिए, वहाँ ऊपर जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखा देता हूँ। यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम रहेंगे जो कि नीचे थे बिल्कुल उनके ऊपर ही बनाए गए हैं, और साथ में सीट आउट एरिया बनाया गया है कि यहाँ पे एक सोफा लगा देख रहे हैं यार, तो सीट आउट एरिया रहेगा। उसके बाद बाहर चलते हैं, बाहर ये बरामदा रहेगा बड़े साइज का, और एक दो बेडरूम रहेंगे ऊपर जो मेन बेडरूम है। यहाँ पे आपको ले चलता हूँ, ये मेन बेडरूम रहेगा हमारा। इसके बाद में यहाँ पे एक बेडरूम और आपको मिल जाएगा जो फ्रंट में हमने डिजाइन किया है। ये ऊपर का सेकंड बेडरूम है हमारा। उसके बाद बाहर का मैं आपको जो व्यू है वो दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए ये है आज का हमारा डिजाइन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, डिजाइन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और डिजाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे इस वीडियो को जरूर शेयर करें।